ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे खली के बारे में, महाबली द ग्रेट खली। एक्चुअली में उन्होंने अपना नाम रखा था काली माता के ऊपर, मैं वही आपको बताने वाला हूँ। स्कूल से भी निकाले गए थे, तो वही सब बातें हम आपको बताने वाले हैं कि आज का खली पहले का खली से कितना डिफरेंट है। उनका नाम था दलीप सिंह राणा। द ग्रेट खली के नाम से मशहूर दलीप सिंह राणा एक पेशेवर पहलवान थे, हैं भी, बहुत ही गरीब थे। और दलीप सिंह राणा बड़ा होकर द ग्रेट खली बन जाएंगे, ये दुनिया भर में पॉपुलर हो जाएंगे, ये तो कभी किसी ने नहीं सोचा था। पहलवानी के सिवाय वो कई हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों में काम भी कर चुके हैं। इसके सिवाय वो बिग बॉस के चौथे सीजन के प्रतिभागी भी रहे। उनका जन्म हुआ था 27 अगस्त 1972 हिमाचल प्रदेश में। उनका नाम था दलीप सिंह राणा और द ग्रेट खली। माता का नाम था तंदी देवी और पिता का नाम ज्वालाराम। राजपूत थे, पत्नी का नाम हरविंदर कौर और उनकी हाइट 7 फीट 1 इंच और वजन 157 किलोग्राम 157 केजी। अभी हम आपको द ग्रेट खली के बचपन और उनके परिवार के बारे में बताएंगे, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जानना भी चाहिए, क्योंकि अभी एक इतिहास रहेगा। हर कोई द ग्रेट खली नहीं बन सकता है, तो एक आइकन बन चुके हैं, उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गाँव धीरेना के गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। गरीब थे, गरीबी की वजह से खली ने मज 8 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी थी। एक एक पैसे को मोहताज थे। उनके माता पिता बेटी की पढ़ाई के लिए 2.5 रुपए की स्कूली फीस चुकाने में असमर्थ थे। उनका परिवार बहुत ही गरीब था और ऊपर से खली 7 भाई बहन थे। सबका पेट पालने की जिम्मेदारी खली पर थी। पढ़ाई बीच में छोड़कर खली को गांव के खेतों में मजदूरी करनी पड़ी और वो भी मात्र 5 रुपए रोज पे, 5 रुपए दिहाड़ी पे। ताकतवर होने के कारण गांव की औरतें उनसे भारी भरकम काम करवाती थी, मतलब इस्तेमाल करती थी काम करवाने के लिए। खली के बारे में एक बात ये भी है कि वो समय के साथ उनका जो शरीर था वो भीमकाय होता चला गया, जिसकी वजह से इनके आकार के जूते भी नहीं आते थे और इस वजह से गांव के बाहर किसी मोची से विशेष तौर पर बनवाए जाते थे। अभी ये कि गांव का बंदा खली पहलवान कैसे बन गया, तो जो सफर था दलीप सिंह से खली तक वो कैसे हुआ। खली के बड़े होने पर शिमला में एक सिक्योरिटी गार्ड की उनको नौकरी मिली। अभी एक दिन हुआ यूं कि शिमला घूमने आए पंजाब पुलिस के एक बड़े अफसर SS भुल्लर की नज़र खली पर पड़ी। भाई एक बात तो है, कुदरत जब किसी को बनाना चाहती है, भगवान जब किसी को बनाना चाहते हैं, तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। तो ऊपर वाले की जब नज़र पड़ती है और जिसको जो बनना होता है, फिर तो ऊपर वाला उसको रास्ता दे ही देता है। तो खली के साथ भी ऐसा ही हुआ। भुल्लर साहब ने खली को पंजाब आके पुलिस में नौकरी करने के लिए कहा और ने खली के पंजाब आने का सारा खर्चा भी खुद उठाया। ज़्यादा खर्चे की बात है, खली साहब तो गरीब थे, उनके लिए वहाँ जाना, पैसे खर्च करना, ये सब मतलब प्रॉब्लमेटिक था। तो सारा खर्चा उन्होंने दे दिया, तो खली साहब को जाने में कोई दिक्कत नहीं थी, नौकरी भी लग गई। इतने बड़े आदमी की जब सिफारिश होगी तो नौकरी लगेगी। तो पंजाब पुलिस में नौकरी के दौरान उनकी दोस्ती अमित स्वामी नाम के व्यक्ति से हुई। खली के लिए उनके दोस्त अमित स्वामी काफ़ी लकी हैं और खली अपने दोस्त अमित स्वामी के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर अपने पसंदीदा पहलवान डोरियन एट्स से मिलने गए। एट्स खली के ढिलडोल को देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्हें रेसलिंग में किस्मत आजमाने का सुझाव दिया और यहीं से उनकी किस्मत की शुरुआत हुई। और एट्स का यह सुझाव खली को जापान ले गया। इसके बाद खली ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अमेरिका जाकर WWE में अपना नाम बनाया।
और दलीप सिंह से WWE के द ग्रेट खली WWE बन गए हो। खली के आने से पहले WWE में अंडरटेकर को एक बहुत ही खतरनाक पहलवान माना जाता था, पर जब अंडरटेकर का मुकाबला खली से हुआ तो मैच मुश्किल से 3-4 मिनट चल पाया और खली ने अंडरटेकर को मारकर बेहोश कर दिया। फिर आया 2007 और 2008, खली वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने। उन्होंने इस ताज के लिए जॉन सीना, अंडरटेकर और ट्रिपल एच जैसे तगड़े फाइटरों को हराया था। WWE में आने से पहले खली को कहा गया था कि अपने लिए कोई अच्छा सा नाम रख ले। खली एक्चुअली बड़ी धार्मिक स्वभाव के थे, तो उन्होंने कहा कि वो माँ काली के भक्त हैं और उन्हीं के नाम पर कोई नाम रखना चाहेंगे। इसके बाद खली खली कहने लगे। तो एक्चुअली में जो काली माँ है, काली से खली बन गए, द ग्रेट खली। कुछ लोगों ने खली को भगवान शिव पर आधारित नाम रखने की सलाह दी थी, लेकिन इस नाम को उन्होंने खारिज कर दिया था। भाई जो जिसका आइडल रहेगा वो तो उसी का नाम रखेगा ना, वो माँ की भक्त थे। इससे भारत में रहने वाले लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती थी। खली का पसंदीदा मूव खली बम है, जिसमें वो दोनों हथेलियों को एक साथ करके विरोधी के सिर पर, ये जो होता है विरोधी के सिर पर, जोरदार वार करते हैं। उनके इस मूव से विरोधी तुरंत धराशायी हो जाता है। अंडरटेकर और बाटिस्टा जैसे पहलवान तो इस मूव से बेहोश भी हो चुके हैं। उनके जो फेम थे, जब ही खली अपनी तरक्की कर रहे थे उस वक्त हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे वो थे अब्दुल कलाम साहब, तो वो खली से बहुत इंस्पायर थे और बहुत प्रभावित थे। ये 2005 की बात है। उन्हें खली को राष्ट्रपति भवन बुलाकर उनसे मुलाकात भी की थी। खली ने WWE के सिवाय कई और भी प्रतियोगिताएं में जायंट सिंह के नाम से भाग लिया है। जायंट सिंह मतलब जायंट, ह्यूज जायंट। अभी हम खली के निजी जिंदगी के बारे में कुछ बात करेंगे, जो उनकी पर्सनल लाइफ है। हालांकि पर्सनल लाइफ की बात करने का अधिकार नहीं है, पर हम उन बातों को नहीं करेंगे जो काफ़ी पर्सनल है। हम उन बातों को बात करेंगे जिसे पब्लिक को जानना चाहिए, हमारे सब्सक्राइबर को जानना चाहिए, हमारे व्यूअर्स को जानना चाहिए। खली साहब भले ही अमेरिका जाकर बहुत अमीर बन गए, पर वो अपने गांव को नहीं भूल पाए। सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है, हम हो या आप हो, बड़े बन जाओ पर अपने गांव को मत भूलो, अपनी मिट्टी को मत भूलो, अपने देश को मत भूलो और अपने आप को भी मत भूलो, अपनी औकात में रहो। तो ये डाउन टू अर्थ थे खली के, खली की जो बातें हैं डाउन टू अर्थ है, तो हम उनके बारे में आज बातें कर रहे हैं। द ग्रेट खली ने अपने गांव के विकास में काफ़ी पैसा दान दिया। द ग्रेट खली अपने आप को बहुत धार्मिक व्यक्ति बताते हैं, वो माँ काली के बहुत बड़े भक्त हैं। धार्मिक स्वभाव का होने के साथ ही वो शराब, सिगरेट और जुए जैसी बुराइयों से दूर रहते हैं। अभी हम बात करेंगे उनके खाने के बारे में, उनके सेहत के बारे में। खाना है तो सेहत है। हर आदमी सोचता होगा कि बंदा यार इतना तगड़ा है, क्या खाता होगा, क्या पीता होगा, तो उसी के बारे में बात करेंगे। खली शाकाहारी खाना पसंद करते हैं, पर सेहत बनाने के लिए वो कई बार मीट भी खाते हैं। भाई पहलवानी करनी है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, हालांकि हैं वेजिटेरियन। खली हर रोज 2 सुबह शाम 2 घंटे कसरत करते हैं ताकि शरीर को संतुलित रखा जा सके। मेंटेन तो करना ही पड़ेगा भैया। अभी हम आपको बताते हैं खली के सेहत के बारे में। खली सामान्य शरीर के मालिक नहीं है। अगर सामान्य शरीर के मालिक होते तो दलीप सिंह ही रहते, द ग्रेट खली नहीं बनते। और वो पूरी तरह से स्वस्थ भी नहीं है। वो बचपन से ही एक्रोमेक्ली नाम की एक बीमारी से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से उनका शरीर असाधारण तरीके से भीमकाय है। इसी रोग की वजह से उनका चेहरा भी कुछ अजीब सा दिखता है। एक्रोमेक्ली नाम की बीमारी से पीड़ित द ग्रेट खली का पूरा परिवार साधारण कद काठी का है। सिर्फ खली के जो दादाजी थे उनकी लंबाई 6 फुट 6 इंच थी। शायद अपने दादा से ही खली को यह बीमारी आनुवंशिक तौर पर मिली हो सकता है। खली विकलांगों की श्रेणी में आते हैं। साल 2009 के
पैरा ओलंपिक में उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। पैरा ओलंपिक विकलांगों और मानसिक रूप से विकलांगों के लिए आयोजित किए जाते हैं। जुलाई 2012 में खली की ब्रेन सर्जरी हुई थी, 2012 में। दरअसल उनकी प्यूट्री ग्रंथि जो दिमाग में होती है उसमें ट्यूमर था। इसके बाद खली पहलवानी से दूर रहने लगे। तो ये था उनका सेहत। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।